एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिमिविक्सु। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। सभी लोगों को हैप्पी तीज। और आज सुबह 3 बजे, जो कि मेरा डेली रूटीन है सुबह 3 बजे उठने का, क्योंकि पतिदेव जो हैं वो सुबह 4 बजे ऑफ़िस चले जाते हैं और आज भी उनका ऑफ़िस है। और मुझे बस ये टेंशन हो रही थी कि कैसे सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मुझे बाद में कन्फर्म हुआ कि ऐसे करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ था मुझे जब आधी रात में मुझे सारी चीज़ें क्लियर हुई थी, नहीं तो शाम से मैं टेंशन में थी कि सारी चीज़ें कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने सोचा चलो जैसे भी होगा, पतिदेव ऑफिस चले गए जाने वाले हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पर ओट्स बना रही हूँ और फिर उसके बाद मैं सरगी करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि वो 4 बजे जब चले जाएंगे तब तक चाय वगैरह मैं सब कुछ रेडी करके रखती हूँ, बस वो जाएंगे फिर उसके बाद मैं सरगी कर लूँगी। पर पतिदेव ऑफिस चले गए, उन्होंने बोला कि आप अच्छे से सरगी करना, ताकि क्योंकि बेबी भी फीड कर रहा है अभी, तो आपको भूख ना लगे और सारी चीज़ें ठीक रहे, तबीयत वगैरह सारी चीज़ें ठीक रहे। मैंने बोला हाँ, मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगी। और फिर वो ये भी कह रहे थे कि अगर घर का काम नहीं होगा तो छोड़ देना, मैं आ करके करूँगा सारा काम। लेकिन ऐसे मुझसे नहीं हो पाता है, मैं जब तक घर का काम नहीं करूँ तब तक मैं नहा नहीं पाती हूँ और फिर पूजा भी नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर सरगी करने के बाद और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, मतलब बैठी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा कर लेती हूँ जब तक प्रीशा उठती है, क्योंकि सुबह 8 बजे तक सब कुछ करना था, नहीं सॉरी 11 बजे से पहले सब कुछ करना था, जो छूने वाला, जो दान करने वाली चीज़ें होती है और जो सासू माँ के लिए निकाला जाता है सारा सामान श्रृंगार का, वो सारी चीज़ें निकालनी थी मुझे। तो यहाँ पर सारा काम करने के बाद और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। इसीलिए तो परी को बुला रही थी। नहीं भैया, बाबू प्रीशा नहीं करो बेटा वैसे। फाड़ दिया आपने, क्यों बदमाशी कर रही हो प्रीशा? हाँ बाबू प्रीशा, प्लीज ऐसे नहीं करते बेटा बदमाशी, मम्मा को परेशान नहीं करते ना।
सो गाइस, ये जो मैं बना रही हूँ ये है चौरट, यानी कि चावल का आटा, उसको खून करके घी में, ये जो होता है वो मेन प्रसाद होता है। तो मैं उठ गई थी सुबह ही, और सुबह उठ करके फिर मैं सारा काम करके, घर का सारा काम करके, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ फिर उसके बाद सारा काम करूँगी। तो जो हमारे घर तरफ से जो पंडित जी हैं उन्होंने ये कहा है कि जैसे 11 बजे से पहले जो है ना वो सारी चीज़ें छू देनी है, और फिर उसके 11 बजे के बाद मतलब शाम में आप कथा सुन सकते हो। तो बस मैं नहा वहाँ करके मैंने सोचा पहले प्रसाद बना लूँ, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है वो निकाल करके और उसको छू करके फिर साइड में रख दूँ, और फिर उसके बाद कथा सुनने की तैयारी जो है वो करूँ। शीशा आप कैसे आओगे बेटा, प्लीज परी को बुला रही हूँ। परी आ जाओ फीशा के साथ खेलने के लिए। आ रही नहीं छोड़ बेटा, घर गंदा नहीं करते। प्रीशु प्रीशा जो है, सबसे अच्छी बात है ना कि आज भगवान साथ दिए हुए हैं, मतलब मौसम जो है वो बारिश की तरह किया हुआ है, और मतलब बिल्कुल भी अभी तक टचवुड मतलब अभी तक प्यास नहीं लगी है। और ये कल जो मैंने सूट पहना था और आज जो मैंने ये वाला सूट पहना है, ये मेरे ससुराल का सूट है, और ये मेरी भतीजी जो है ना वो मतलब अपने नाप से सिलवाई थी, उसे थोड़ा सा लूज करके, और फिर उसके बाद ये क्योंकि मेरी भतीजियों का नाप जो है ना वो मुझसे भी ज़्यादा पतली है, मतलब मैं तो थोड़ा हेल्दी दिखती भी हूँ, सुपर पतली है। हाँ बेटा क्या किया आपने? हाँ आपको नाई नाई अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर में करूँगी नाई नाई। अच्छा वो फेंक दिया आपने, तोड़ दिया जा। तोड़ दिया बेटा आपने, तो अभी मैं नफीशा को निकल लाई जान बुझ करके। अभी ना सिर्फ जैसे हम डेली पूजा करते हैं ना, बस मैं वो करने जा रही हूँ, और फिर उसके बाद डेली जैसे पूजा करते हैं उसके बाद फिर मैं उठाना बेटा, ये उठाना। आप रख लो थोड़ा बेटा। क्या बेटू? हाँ कितना बिंदी चिपका लिया आपने बेटा? तो यहाँ पूजा करने के बाद और जो सामान छूना है उसकी मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पर
पहले जो साड़ी सासू माँ को देनी है और वो साड़ी, यहाँ पर सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि 5 फ्रूट्स हैं यहाँ पर, केला, सेब और नाशपाती, अमरूद और खीरा। खीरा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें प्रसाद में, और साथ में वो चौरठ का आटे का प्रसाद, तो वो जो होता है वो मेन होता है प्रसाद। तो यहाँ पर कंघी और सारी चीज़ें, श्रृंगार का जो सामान है वो मैंने रख दिया, साथ में यहाँ पर फ्रूट्स भी रख दिया, सिंदूर बिंदी सारी चीज़ें रखने के बाद फिर तो यहाँ पर ना दो, मतलब यहाँ पर चीज़ें रखी जाती है, एक जो सासू माँ को दी जाती है और एक जो पंडित जी की जो वाइफ होती है उनको जो भी हम दान देना चाहें वो सारी चीज़ें। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठे ही ले ली थी सबके लिए, और फिर यहाँ पर उनका भी थाल सजाया, दोनों का थाल सजाने के बाद और फिर उसको छू करके और उसे रख दिया जाता है। अब जब कथा सुनूंगी ना और जब व्रत खोलूंगी तो उसके बाद जो पंडित जी की वाइफ है उनको ये थाल उनको दे दिया जाएगा, और सासू माँ के लिए तो मैंने जो लिया है अब वो जब मैं वहाँ पे जाऊंगी, जैसे अभी प्रोग्राम तो ये बन रहा है कि छठ में जाएं, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो जो भी होगा देखा जाएगा। तो उनका थाल का सारा सामान जो है ना वो साइड रख करके, और फिर अब जो है थोड़ी देर के बाद हम लोग कथा सुनने के लिए मतलब तैयार होंगे। सो गाइस, पूजा हो गई मेरी, और मेरी मेहंदी देखो अच्छी लग रही है ना, जो कि मैं पता है मतलब ये अभी सूखा भी नहीं था, ये टिप पॉइंट जो है ना ये सूखा भी नहीं था, मैंने छुड़ा दिया क्योंकि मुझे बाहर जाना था और सारा सामान जलाना था, तो इसलिए। और परी भी आ गई है और आए देख लो प्रिशा कहाँ चढ़ गई देखना, और अभी प्रिशा को नहलाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह मैंने नहीं नहलाया है। मौसम देखो कैसा हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, मतलब सुकून है इस मौसम से ना। अब बस सब सारी चीज़ें हो गई है, क्योंकि 11 बजे से पहले जो है ना वो छूना था सारा सामान, वो मैंने छू दिया है। अब हमें करनी है कथा सुनने की तैयारी, जो कि शाम में 5 बजे के बाद है, 5:20 से 7 बजे तक है, तो वो काम करेंगे। और बस जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी फिर से, क्योंकि ना मैं सोच रही हूँ मैं ज़्यादा ना बोलूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने पे क्या होता है ना कि फिर थक जाते हो आप, तो और गला भी सूखने लगता है, जिसकी वजह से बस सिर्फ प्रीशा को नहला दूँ उसके बाद सारी चीज़ें करूँगी। तो यहाँ पर देखो ये आ गए ऑफिस से, ये भी दिखा रही, ये आ गए ऑफिस से। ये को आज मौसम साथ दिया हुआ है, मतलब बारिश जैसा मौसम किया हुआ है। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, और सारी चीज़ें कर करके बस बैठी हुई हूँ, बस पेट ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, देखती हूँ कैसे कैसे क्या करूँ। प्रिशा नहाओगे नहीं आप, ठंडा मौसम है तो नहीं नहाओगे, जा लगी चोटू से, बिंदी लगा करके और घूम रही है। तो गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। और क्या पहनने वाली हूँ क्या कुछ, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा। और तीज का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है ना, गौरी जी का पूजा किया जाता है, और हमारा सुहाग अजर अमर रहे इसके लिए, क्योंकि ये जब माता पार्वती ने ये जब किया था ना, तो फिर उसी समय ये वरदान मतलब सुहागिनों को दिया गया था कि सबका सुहाग, अगर जो भी ये महिला तीज व्रत करेंगी उनका सुहाग जो है ना अजर अमर रहेगा, मतलब शॉर्टकट में ये है। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्या करूँगी टाइम होगी क्या है। प्रिशा को पहले खिला पिला करके आप क्या खाएंगे क्या बताओ, ये सिर्फ ओट्स खाए हैं, देखती हूँ बहुत चिल्लाती है, पूरे बैकग्राउंड में मेरे पूरे वीडियो के मेरे पूरे ब्लॉग के बैकग्राउंड में ना प्रिशा के चिल्लाने की आवाज़ आती है, ये इतना चीखती है। आ गई, हाँ बिंदी लगाई है आप, अभी ये नहाई नहीं है,
हाँ मम्मा भी बिंदी लगाई है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ओके ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। फ्लाइंग किस कर दो आप।